अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आप सबका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। हम जा रहे थे कहीं काम पे और हमारे बाइक का पेट्रोल मुक गया है, वो सामने खड़ा हुआ है। अब जो है इसे फटाफट लेटाते हैं ताकि इसके अंदर जो बचा कुचा पेट्रोल है वो दूसरी साइड पे आ जाए और फिर जो है हम पंप तक चले जाएँ। चलो ए, ड्राइवर इसको लेटाओ ज़रा, इसका पेट्रोल दूसरी साइड पर लेके आओ। माशाल्लाह से हमारा बाइक जो बंद हुआ है ना वो भी चढ़ाई पे बंद हुआ है। अब हम ऊपर भी अगर लेके जाए ना, पंप साथ ही है लेकिन फट जाएगी। चल झूठा, स्टार्ट करते हैं इसे और जाते हैं सीधे पंप की तरफ। One hour later. 273 रुपये लीटर हो गया जी, हूँ तो हिसाब ही ना गिन सकने। चाचू जी पाओ ना लीटर ही पाओ, मैं 300 ना पा दो, टैंकी साड़ी लीक हो जानी है ज्यादा पाओ। तो आवाम ने हूं जूस छोड़े ने, क्या ख्याल है जूस छोड़े ने? अच्छा तो यार पेट्रोल वगैरह डलवा लिया है, अब सीधा अपने मिशन की तरफ निकलते हैं और वहां पे पहुंच के आपको मिलते हैं। यार इतनी दूर से हम आए हैं पैसे निकलवाने के लिए और आप ये कह रहे हैं कि अनएबल टू प्रोसीड, ऐसे तो नहीं होता यार। खैर बाकी जो भी है, अंदर एसी लगा हुआ है, बाहर आवाम खड़ी है और हमें पैसे नहीं दे रहा। ये नहीं सब्र कर रहा, थोड़ी देर हवा लुआ कि नहीं आना, गर्म हो गया सी गर्मी यार। मोड़ दे एक बार, फिर कार्ड पास आए, पैसे क्यों नहीं दे रही मशीन? पैसे देने चाहिए इसने यार, ऐसा इतने दूरों आए हैं। अब इसी आवाम की फिक्र है कि आवाम जो है वो गर्म होकर अंदर ना आ जाए, हमें अपनी फिक्र है कि हम इतने दूर से आए हैं तो कुछ ना कुछ तो देना यार। A few moments later. यार आखिरकार हम जो है आधा घंटा जलील होने के बाद, ये जो है कौन सा बैंक है जी, ये मेजान बैंक, यहाँ पे आए हैं। इन्होंने हमें पहली बार ही कहा है कि पुत्र पैसे पकड़ो और घर जाओ, बाकी जो ATM थे वो लो नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्या उनको कीड़ा है। जब अपना ATM कार्ड ना हो बैंक का तो बहुत कम जो है ना वो देते हैं, यहाँ से पैसे निकलवाते हैं। मेन जो हमारा मिशन था वो था कि मैंने मोबाइल लेना था क्योंकि मेरे जो फ़ोन है उसने सिम छोड़ दी है, वो जो है नॉन PTA था, आईफोन है 12 Pro Max है। नहीं, इसने जो है सिम छोड़ दी थी, तो अब जो है इसके लिए मुझे एक दूसरा सेट लेना है जो सिम चलाए, ठीक है, जस्ट सिम के लिए हम आए हैं यहाँ पे, छोटा मोटा 10-12 का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने शॉर्ट स्पॉट के लिए लेना है। फिर शाम को मैंने निकलना है लाहौर के लिए, लाहौर अभी वापसी है, तो जुड़े रहे वीडियो के साथ, आगे मज़ा आएगा। बाइक हमने वॉश करा ली और हालत जो है वो बहुत बुरी हुई है गर्मी की वजह से, फटाफट निकलेंगे घर की तरफ और जिस मिशन में गए थे वो मिशन नहीं हो सका क्योंकि आजकल हालात बड़े ख़राब हैं मार्केट के। One hour later. यार जिस मिशन में गए हुए थे वो मिशन तो नहीं पूरा हो सका, खैर मार्केट नहीं पसंद आई और मोबाइल नहीं मिले। अब जो है इधर वापस आया हूँ, इधर एक लड़के के पास मोबाइल है, उसने सेल करना है, उसको बुलाया हुआ है। तब तक मैंने कहा कि हाथ ही करा लेते हैं क्योंकि आज वापस जाना है लाहौर, सर पर थल्लू थल्लू करना है, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वो लड़का भी आ गया, फ़ोन भी उसका चेक करते हैं यहाँ से फ्री होकर। हाँ तो यार फ़ोन ले लिया हॉटस्पॉट के लिए, ये फ़ोन मिला है और वारे का मिल गया, क्योंकि आपका भाई जब कोई चीज़ लेता है तो वो वारे की होती है।
A few moments later. विलेज के बारे में बता रहा हूँ कि जो देहाती इलाके होते हैं वहाँ पे हर चीज़ कैसी होती है. लाइक अगर आपने मोबाइल भी लेना है तो यहाँ से बहुत मुश्किल से मिलता है, आपको ढूंढने पड़ते हैं आगे पीछे से. अगर शहर हो तो फिर आप इजी होते हो. जैसे अभी इस मुर्गी का नंबर लग गया है, बाकी ये दो रह गए इनके पास. और ये दुकान की अब हालत देखें, इंटर आके सेटिंग की हुई है. ये पुराना सा पंखा, ये बाहर मेरा बाइक, और ये चाचा जी. क्या बात है, क्या One hour later. हाँ तो यार, नहा धो के तैयार हो गए थे क्योंकि अभी निकलना था हमने लाहौर की तरफ. जैसे आपको बताया था मैंने दिन को, इसको तो आप जानते ही होगे, बस कैमरा घुमाने की देर होती है, बंदा पहचान लेता है अगले को. गजब तू भी आज आदमी. ये ड्रॉप करने जा रहा है मुझे गुजरहान. पहले मेरा दिल था पहले पिंडी जाऊँ, वहाँ से फिर गाड़ी पकड़ूँ और वहाँ से लाहौर मोटरवे से. अब जो है हम गुजरहान से ही बैठेंगे और सीधा लाहौर रास्ते में करवाएंगे बस एक नेट पैकेज, ताकि जो है हमारा गुजारा हो जाए रास्ते का. मिलते हैं आपको जाकर सीधा फिर बस में, जुड़े रहे वीडियो के साथ. हैरत की बात है, जब से मैं गांव आया हूँ एक दिन बारिश नहीं हुई और आज मैं वापस जा रहा हूँ और बारिश ना की है. ये क्या मामलात है हमजा साहब जी, ये क्या मामलात है? हाँ जी, क्या मामला है यार. नहीं, मैंने वही पहुंचना है, मैंने लाहौर पहुंचना है. बाकी एक और भी बड़ी स्पेशल गल है, उस स्पेशल गल है मैं तुझे जरूर दसा. मैं जो अगले फेरे दसा तो मैं उस रोज तुसा की एक बड़ी आप लोगों को बड़ी स्पेशल बात बतानी है. वो जो है बहुत पेंडिंग रहेगी इंशाल्लाह, और जब वो आपको बात पता चलेगी आप यकीन नहीं करेंगे. लेकिन मैं इस बार नहीं बता सकता, लेकिन बताऊंगा ज़रूर आपको. उस बात को बताने से एक बंदे के दिल में खड्डे हो जाएंगे, समझ रहे हो? बाकी रोड के हालात देखिए, हमारे गांव की रोडें बहुत अच्छी हैं. ये रोडें जो हैं साफ सुथरी, ऐसी रोड बैरिया टाउन में आपको मिलती है. यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो तो आपका साह हिल जाता है, एक जगह पर नहीं रहता. हाँ तो यार गुजरहान पहुँच गए हैं, लाहौर का तो पता नहीं, लेकिन हमला कहता है कि भाई पहले पकौड़े खाओ फिर लाहौर जाओ, कोई पता नहीं होता जिंदगी का. ये पकोड़े ले रहा है और पकोड़े लेके आता है तो फिर पकोड़े टेस्ट करते हैं, नान पकोड़े. मामा कैसे होते हैं पकोड़े इधर के? बहुत अच्छे, जबरदस्त. मैंने बड़ा नाम सुना है इन पकोड़ों का. हमजा साहब अब खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं. गंजा जी बड़े प्यारे लग रहे हैं आप. गई आप देख रहे होंगे इस वक्त मेरी हालत, मेरे हाथ में इस टाइम चटनी का शापुर है. आपके हाथ में क्या क्या है दिखाएं जरा. पकौड़ा नान शापरे चटनी, शापरे चटनी. हाँ छोटे नान पकौड़े में खाओ. ये देखे जी, ये नान है, ये पकौड़े, ये है बारिश. और हम जो है एंजॉय कर रहे हैं नान पकौड़े को. और यहाँ पे आएगी बस, जिस बस पे बैठ के हमने जाना है. मजा आ रहा है शक्करगढ़ तो बाकी रही, शक्करगढ़ में नहीं बैठना चाहिए. बाकी जिस मर्जी बैठ जाओ, टोटे में बैठ जाओ, तंग होके बैठ जाओ, शक्करगढ़ में नहीं बैठो. क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी और मौत का सवाल होता है शक्करगढ़ में बैठना. और लोग इस वक्त उठा के बैठे होते हैं, कभी कभी अपना कुकड़ी पकड़वा देते हैं. चले जी आगे जाके बस पे बैठ के वीडियो कंटिन्यू करते हैं. भाई कोच आ गई नहीं यार, यहाँ पे खड़े हुए हैं और लोग ऐसे उठा रहे हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं. भाई आपकी तो बस यार, यहाँ पे हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं. कैसा लगा मेरा मजाक? आई क्या हरकार बस. यहाँ पे सूरत हाल ये हो गई थी कि मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैंने अपने बैग से शर्ट निकाल के अपने ऊपर ओढ़ ली और फिर आगे निकले. और उसके बाद यहाँ पे हमारे साथ हो गया स्कैम. स्कैम ऐसे कि यार उन्होंने जो एसी वाली बस वालों ने ना हमें वहाँ से निकाला अपनी बस से और दूसरी बस में सारे पैसेंजर्स को बकरियों की तरह घुसा दिया. उसके बाद मैंने वहाँ पे ये कोकोनट का एक पीस लिया बंदे से जो मुझे 50 रुपये का दे के गया. वो मैं इंजॉय कर रहा था और जलील होने का मज़ीद इंतज़ार कर रहा था क्योंकि इसके बाद जो है ना
एक और धमाका होना था, और वो क्या था, इनका टायर पंचर हो गया। यहाँ पे मैं जूते उतार के सुकून से बैठा हुआ था और आगे ये सीन बन गया। देखें, रात के 12:30 बज चुके हैं और मैं जो है लाहौर जा रहा था जैसे कि आपको पता है, और ये जो है इनकी गाड़ी का जो है टायर जो है वो पंचर हो गया। खैर, ये पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट टोटल स्कैम है जो जीटी रोड पे चलती है। आगे जब मैं बैठा हूँ इसमें, पहली बात तो ये कि यार मैं प्रेफर करता हूँ कि आप जो है एक अच्छी जगह से सीट बुक करवा लें जहाँ पे लिमिटेड सीट्स होती हैं, और जब वो एक बार फुल हो जाती हैं तो रास्ते में कोई चेंजिंग नहीं आती उन सीट्स में। जो बंदे बैठे हुए हैं उन्होंने वहीं पर उतरना है जहाँ तक उनने सीट बुक करवाई हुई है, और उससे फालतू ना कोई बंदा आएगा ना कोई गाड़ी रुकेगी। अब जो है मैंने यहाँ पे गुजरहान से बैठा हूँ, एसी वाली बस कराई है स्पेशल, ठीक है। मैंने कहा यार कि गर्मी है तो एसी वाली बस करवाते हैं, तो में उन्होंने जी तकरीबन 100-150 किलोमीटर चलाई होगी, तो आगे उन्होंने हमें वहाँ से उतार दिया और उन्होंने हमें इस जैन कोच में बिठा दिया कि आप भाई जाएँ इसमें, हम जो है आगे नहीं जा रहे, आप इसमें बैठें। खैर, मैं तो उतर गया इसमें, बैठ गया, सब भी बैठ गए जो थे, सारी बस उतर गई, तो मैंने कहा चलो उतर जाते हैं। उतरने के बाद भाई जान यहाँ पे जो है इसका कंडक्टर, उसने मुझे कहा कि आप यार किराया दो मुझे, तो मैंने कहा किस चीज़ का किराया भाई, मैं उसे किराया दे के आया हूँ, मैंने एसी का किराया दिया। हालांकि इस बस में तो एसी भी बंद था, बस ये है कि नाम की बस शीशे खुले हुए, और फंसो फंस मैं अंदर गया हूँ। मैंने थोड़ी बहस की ड्राइवर से कि भाई जान क्या कर रहे हो, पीछे जगह ही नहीं है और आप जो है हमें फंसा रहे हो बसों में। बहरहाल, ये पाकिस्तानी जीटी रोड की जो ट्रांसपोर्ट है इंतहाई फजूल और बहुत ही, तू चला जा पहले पैसे तुझे बहुत जल्दी है। अगर आपने बड़ी ट्रांसपोर्ट करनी है, लंबी ट्रांसपोर्ट, लाइक लाहौर जाना है या गुजरावाला जाना है, लंबी ट्रांसपोर्ट, कैसे कुत्ते लोग हैं यार यहाँ पे, बंदा क्या करे इनका। One hour later. यार बहुत ज़्यादा जलील होने के बाद आखिरकार लाहौर पहुँच गया हूँ। इधर अब जो है राइडर बुक करवाया और सीधा जा रहे हैं हम अपने घर की तरफ। घर पहुँच के सीधा आपको मिलता हूँ। आप हिम्मत नहीं है बनाने के ब्लॉग, आगे घर जाके मिलते हैं। जिस राइडर ने घर पहुंचाया है ना, उसके पास चेंज था और ना मेरे पास चेंज था, तो मैंने फिर अभी उसे कहा भाई 2 मिनट बैठ रुको, चेंज आपको देते हैं। पहले यार चेंज रखा कर को पास 100, 200, 300 यही चेंज मिला है। हैं अंदर आ काफी देर अंदर, मैंने आपको सब्जोदार का बोला था यही है, 10 किलोमीटर बनता था वहां से। 5 घंटे का सफर 7 घंटों में, पंखा बंद करेंगे ताकि आपको आवाज मेरी सही तरह है। तो यार ये थी आज की वीडियो, एक हार्ड रूटीन, एक हार्ड डे कैसे गुजरता है। वैसे ये तो नॉर्मल ही है, लेकिन आपने देखा होगा कि यार 5 घंटों का सफ़र अगर 7 घंटों में गुजारो और उसके बाद रात को 2 बजे राइडर बुक करो, उसके बाद जो है खतरा होता है भाई, और बहुत मसले बन जाते हैं। खैर भाई, पहुँच गए हैं सही सलामत, तो यहाँ पे करते हैं हम इस वीडियो को एंड। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, आपने फिर भी देखनी है, और अगर पूरी देख ली है तो यार कमेंट में लाजमी लिखना कि आपने वीडियो को एंड तक देखा है, ताकि मुझे पता चले कि यार कौन सी जो हमारी पब्लिक है, हमारे साथ सनसेयर है, जो हमारा वॉच टाइम पूरा कराने में हमारी हेल्प कर रही है। तो अभी जो है बिस्तर रेडी है, पंखा ऑन करते हैं और सोते हैं यहाँ पे। अल्लाह हाफिज़।
Oh,